नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के राज मोहल्ला में एक डेयरी पर सोमवार रात बदमाशों ने ताले तोड़ने की कोशिश की। यहां सबल से वो शटर उचकाते भी नजर आए। काफी देर तक जब वो सफल नहीं हुए तो मौके से फरार हो गए। सुबह डेयरी संचालक दुकान पर पहुंचा, शटर में छेड़छाड़ देख सीसीटीवी चेक किए, जिसमें दो बदमाश कैद हुए हैं। मामला छत्रीपुरा थाने के नजदीक गुरुकृपा डेयरी का है। यहाँ संचालक भावेश नीमा मंगलवार सुबह दुकान पहुंचे तो उन्हें शटर अस्त व्यस्त दिखी। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें दो बदमाश वहां काफ़ी देर तक काउंटर की आड़ में छिपे हुए दिखे। उसमें से एक बदमाश ने सबल से ताले तोड़ने के साथ शटर उचकाने की भी कोशिश की है। जब वो सफल नहीं हुए तो मौके से फरार हो गए। मामले में डेयरी संचालक ने पुलिस की सूचना दी। पुलिस अब पूरे ही मामले की जांच में जुटी हुई है। एक सोशल मीडिया पर सीसीटीवी वायरल हुआ छत्तीसगढ़ थाना क्षेत्र का, ये मामला समझ में आ रहा है। अभी इसमें फिलहाल एक दुकान से दो नाबालिग बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं, अभी फिलहाल नाबालिग दिखाई दे रहे हैं, तो वो बच्चे कहीं कहीं चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा फिलहाल सोशल मीडिया के माध्यम से जो न्यूज प्राप्त हुई है उस पर वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, अभी दिख रहे हैं नाबालिग, लेकिन अभी उसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अभी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन के बाद ही उस पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।